स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूँ शिल्पा रावत। और इस वक्त बात उस विवादित मुद्दे की जिसको लेकर बार बार चर्चा होती है, स्वामी प्रसाद मौर्य की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से हर बार कोई ऐसा विवादित बयान धर्म को लेकर दिया जाता है जो कि चर्चा का विषय बन जाता है, और एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया, इस बार उन्होंने हिंदू धर्म पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है, हिंदू धर्म केवल दलित गरीब आदिवासियों को फंसाने की साजिश है। अगर वास्तव में हिंदू धर्म होता तो दलितों का सम्मान किया जाता, आदिवासियों का भी सम्मान होता। इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मण धर्म पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, सारी विषमता का कारण ब्राह्मणवाद है। सवाल ये कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म और धार्मिक ग्रंथों पर सवाल खड़े करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य सोची समझी रणनीति के तहत बयान देते हैं? क्या उनके बयान से उन्हें या समाजवादी पार्टी को कोई सियासी फायदा होगा? अपने खास कार्यक्रम विवादों के स्वामी में ऐसे ही कुछ सवाल पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले ये भी हम सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। शरीर माने ने जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों को अपने भ्रम के मकरजाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। शरीर माने ने तो सपा विधायक ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दी है। विधायक मनोज पांडे का स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज, स्वामी प्रसाद मौर्य को धर्म पर बोलने से बचना चाहिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए बयान देना गलत है, स्वार्थ में धर्म से खिलवाड़ गलत है, धर्म को अपमानित करने वाला खत्म हो जाता है। ये मनोज पांडे की तरफ से कहा गया, सपा विधायक की तरफ से नसीहत दी गई है। देखिए, मैंने तो क्यों इतना कहा कि आदिकाल से चल रहा है, सृष्टि पर और धरती पर दैत्य और दानों और देवताओं के बीच में ये युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन इतिहास में कोई दृष्टांत नहीं है कि दैत्य जीता हो, जीता देवता ही है। तो ठीक है, कभी कभी लोग कहते हैं आसमान की तरफ मुंह करके थूकने वाले लोगों को बचना चाहिए, इसलिए उसका नुकसान उन्हीं को होता है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं, उनका हम सबसे पहले आपसे तारुफ करा देते हैं। आचार्य शैलेश इस वक्त हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु, और इसके साथ ही मनोज उपाध्याय हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता। आप दोनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले आचार्य जी, मैं आपके पास ही आती हूँ। जिस तरीके का बयान सामने निकल के आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है उनकी तरफ से? हर हर महादेव जी। शिल्पा भवन, ऐसा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अगर वह मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, अगर वह उसका दिमागी संतुलन अगर ठीक ठाक है, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसे जेल में जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी DNA जांच कराना चाहिए कि वह किस धर्म और किस समाज से है। वह दलित समाज का भी हितैषी नहीं है, क्योंकि वह विशेष रूप से जो अपमान कर रहा है वह दलित समाज का भी अपमान कर रहा है। संत रविदास जी का अपमान कर रहा है, जो संत रविदास जी सनातन धर्म के लिए पूरी जीवन उन्होंने दे दी, उन सबका यह अपमान कर रहा है। और मेरा तो यह मानना है कि यह व्यक्ति काल नेमी के रूप में, या मुझे तो लगता है इसके धर्म पर कोई डाउट है, इसके DNA पर डाउट है, इस व्यक्ति को जेल भी होना चाहिए और फांसी भी होना चाहिए। यह व्यक्ति समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, या देश में उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। ठीक, उन्माद फैलाने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से किया जा रहा है, ये शैलेंद्र जी कह रहे हैं। आचार्य शैलेंद्र जी, हम जरा मनोज जी का भी रुख कर लेते हैं, मनोज उपाध्याय का, बीजेपी नेता है। मनोज उपाध्याय जी, शिकायत है स्वामी प्रसाद मौर्य को, और शिकायत शायद तब नहीं थी जब वो आपके साथ थे, लेकिन अब दूसरी पार्टी में जा चुके हैं तो अब शिकायतों का एक अंबार है, और हिंदू धर्म से इतना बैर हो गया है कि रह रहकर बार बार वो उसी को कोसे जा रहे हैं, शायद चर्चा में तभी बने रहेंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी, आपने कहा ना, हमारे जब बीजेपी में रहे
तो बीजेपी में रहने पर बीजेपी को इसकी आजादी कभी नहीं, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि हिंदू सिख ईसाई सब आपस में भाई, हिंदुस्तान को इसी चार भागों में हमने अनेकों धर्म और जाति को लेकर बनाया गया। तो इस नाते भारतीय जनता पार्टी कभी भी इसे 5 साल में आप एक बयान नहीं बता सकते स्वामी प्रसाद मौर्य किसी धर्म के बारे में बोले। ये चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पब्लिसिटी के चक्कर में एक धर्म को टारगेट करते हैं और वो पब्लिसिटी साथ में, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव जी को खुश करेंगे तभी तो वैसे बना दिए, पहले मायावती जी को खुश किए थे तब देखिए मंत्री बन गए थे। नहीं ये तो जिस तरीके का बयान दे रहे हैं सपा पार्टी के लोग भी उससे सख्ते में आ जाते हैं, कई बार वो भी उससे चुप्पी साध लेते हैं, वो जिस तरीके का बयान देते हैं उनके अपने नेता कह रहे हैं कि ऐसे बयानों से उन्हें बचना चाहिए। हाँ तो बचना चाहिए, लेकिन वो अगर भाई बचेंगे तो चूंकि समाजवादी पार्टी में नया नया गए हैं और नए नए गए पुराने नेताओं को छोड़कर एमएलसी बना दिया गया। अब अखिलेश यादव की निगाह में क्योंकि अखिलेश यादव को यही पसंद है किस प्रकार से सनातन धर्म और सनातन धर्म प्रेमियों का अपमान किया जाए, किस प्रकार से सनातन यही दूसरे धर्म के बारे में बोले होते तो अब तक गला कट जाता, लेकिन सनातन धर्म चूंकि काफी पोलाइट करता है, काफी अपने आप में संवेदनशील रहता है, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता है, वो काम के भरोसा रहता है। सनातन धर्म चूंकि बहुत ही दयालु प्रवृत्ति होते हैं, नहीं तो स्वामी प्रसाद जैसे तुच्छ प्राणी के लिए सनातन धर्म का अब तक एक बार अगर एक थप्पड़ लगाएगा तो पता निकाल जाएंगे। लेकिन ये आते कर रहे हैं अखिलेश यादव के साथ यही कर रहे हैं जिससे कि एक माहौल खड़ा कर किया जाए कि जिस प्रकार से सनातन धर्म और दूसरे धर्मों में टकराव हो जाए और जिस प्रकार से समाजवादी की सरकारों में खून की नदियां बहती आई हैं और इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी हूं, लेकिन उनको गुर्द है अखिलेश यादव जी इस तरह का नेतृत्व, इस तरह का जो है कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सेनापति है, जो देश प्रदेश का मुखिया है, वो जाहिर हुआ था अपने आप में देश के जनता जनार्दन के हित में कोई भी अगर अनहित होना होगा उस पर वो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप बता दें कि पहली बार ऐसी सरकार आई है जहां पे जो है प्रशासन का अधिकार है, प्रशासन अपने फॉर्म में चल रहा है, इस नाते जो समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो चाहे ठीक है। विवेक जी आपके पास वापस मैं लौटूंगी, मनोज जी आपके पास मैं वापस लौटूंगी, आप इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहे हैं, उसको करेक्ट करके आपके पास वापस लौटते हैं। इस वक्त हमारे साथ विवेक पांडे साहब भी जुड़ चुके हैं, सपा नेता, बहुत स्वागत विवेक जी। विवेक जी जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया है, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि उस बयान से आप कितनी सहमति रखते हैं, जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया, हिंदू धर्म को ही उन्होंने नकार दिया, हिंदू धर्म है ही नहीं उनके कहने के मुताबिक। देखिए पूरे पैनल को पहले मैं प्रणाम करता हूँ, हमारे धर्माचार्य बैठे हैं उनको प्रणाम और नतमस्तकों के अनुमोदन के साथ मैं अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा आप सभी से। धर्म में धैर्य क्षमा अस्तेय पवित्रता आत्मसंयम बुद्धि विद्या सत्य अक्रोध आदि 10 कई तरह के लक्षण बताए गए हैं, लेकिन इस पैनल में मुझे दिखाई दे रहा है कि आक्रोशित होते हुए लोग किस तरीके से असंयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा धर्म को जानने की आवश्यकता सभी के लिए। हिंदू धर्म, हिंदू जो है वो एक जीवन पद्धति है, तो सुप्रीम कोर्ट तक मान चुका है। सनातन धर्म पे कभी किसी ने ना सवाल उठाया, ना किसी की हिम्मत है कि आने वाले भविष्य में भी कभी कोई सवाल खड़ा कर सके। नहीं सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो बार बार उठा रहे हैं ना, एक बार नहीं दसियों बार उठा चुके हैं, अगर मैं गिनवाने बैठूंगी तो इतने सारे बयान है कि शायद हमें याद भी नहीं होगा कितनी बार उन्होंने उन पर सवाल खड़े कर दिए। मैं बड़ा हास्यप्रद लगता है मुझे जब ये बात आती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बात उठाई, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक धर्मग्रंथ में एक शब्द को लेके बात की थी तो इतना हाहाकार मचा चारों तरफ, लेकिन वही जब आरएसएस के नेता सारे धर्म ग्रंथों की समीक्षा करने की बात करते हैं तब किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। कितना हास्यप्रद लगता है कि दो अलग दोहरापन, दो अलग मापदंड एक ही धर्म के प्रति अगर अपनाया जाए तो जो जिसको आप स्वीकार करते हैं, जिसको आप समर्थन देते हैं, राजनीतिक जिसमें आपको लक्ष्य दिखाई देता है वहां पे आप आलोचना नहीं करते हैं। तो नहीं सर, ये बयान क्या आपके अकॉर्डिंगली सही है फिर सर? अगर आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि आरएसएस की तरफ से भी ऐसा कहा गया तो आपके हिसाब से मतलब ये बयान हम सही मानकर चलें? आपकी सहमति है इसमें, आपका साथ है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सर? और गलत की परिभाषा तो बहुत पीछे छूट गई। जिस दिन भाजपा के समर्थित लोगों ने इस बात को धर्मग्रंथों को लेकर समीक्षा की बात की थी उस दिन अगर कोई भाजपा या आरएसएस या कोई धर्मगुरु सामने आके आलोचना करते तो लगता कि हाँ इस देश में अभी हिंदू या सनातन के लोग जीवित हैं। नहीं तो फिर सर आप भी तो वही बात कह रहे हैं सर।